क्या करना सशस्त्र बल एसआई श्री अमर सिंह बिजोरिया के नेतृत्व में देशभक्ति जन सेवा का संदेश लिए। दूसरा प्लाटून जिला पुलिस बल एसआई श्री रामेश्वर बकुरिया के नेतृत्व में। तीसरा प्लाटून जिला पुलिस बल महिला एसआई श्री अर्चना चौहान के नेतृत्व में। चौथा प्लाटून भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहने उसे राखी न बांधेगी, पलट के जंग सिपाही अगर नाकाम आ जाए। मार्च पास परेड कमांडर सुश्री सुबेदार दीपाली यादव, ट्वाइसी परेड कमांडर एसआई जयपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में। चलो पीछे पीछे। जोरदार तालियों से स्वागत है मार्च पास का। पहला प्लाटून जिला सशस्त्र बल, दूसरा प्लाटून जिला पुलिस बल एसआई रामेश्वर बकुरिया के नेतृत्व में। महिला शक्ति को प्रदर्शित करता है जिला पुलिस बल महिला एसआई अर्चना चौहान के नेतृत्व में। निष्काम सेवा के संदेश के साथ चौथा प्लाटून नगर सेना बल एसआई जीवन तोमर। माननीय अतिथि महोदय से निवेदन है, बलिदानों की आहुति दी थी, ऐसे असंख्य नई पीढ़ी जान सके, इसलिए हमारे भारत देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पापा, क्या हमारे मध्य प्रदेश
जानी ने मुझे गर्व होगा कि झाबुआ से चंद्रशेखर आजाद थे, सागर से रविशंकर शुक्ला थे, तात्या टोपी जी को ग्वालियर के पास फांसी दी गई, और हाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनके बारे में तो सब जानते हैं, मंडा जिले से रानी अवंतीबाई और बुंदेलखंड के रानी झलकारीबाई ने एक स्त्री होकर भी अंग्रेजों से लोहा लिया। मांगवा और निमाण से टंट्या मामा भील समाज के क्रांतिकारी नेता थे। आदिवासी बिरसा मुंडा को तो वहां का भगवान कहा जाता है। ये सभी हमारे मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी ही थे। अच्छा पापा, यह महोत्सव अभी क्यों मनाया जा रहा है? बेटा आने वाले 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर हमारे आजादी को 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यह आजादी का अमृत महोत्सव जो 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा, तो आओ चले हम सब मिलकर उन शहीदों को, उन भारत माता के सपूतों को नमन करें। जय हिंद। Yeah.
धन की सुंद है, लाल के हम रखवाले, ताकत तो बदन की हम से है, हिम्मत बदन की हम से है, हिम्मत बदन की हम से है, लाल के हम रखवाले। साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने का निश्चय किया। इन्होंने सात स्वासी मौत से जगाने के लिए अजीजी हाल से कम देखकर अपना विरोध और अपने आप को पुलिस के हाथों से अदालत में सुनने के दौरान बचाव पक्ष में वकील के लिए जाने के लिए इन्होंने साफ मना कर दिया। 7 अक्टूबर 1925 को आजादी के इन मतवालों को फांसी की सजा सुनाई गई। भाई 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 ओ बड़े भाई, अरे भाई जल जंगल को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें।
एक स्वच्छ वातावरण के लिए सबसे ज्यादा वनों का होना आवश्यक है। आप जितने पेड़ लगाएंगे उतना हमारा भविष्य सुरक्षित। दूसरी, कोरोना काल में भी छात्र छात्राओं का डिजिलॉक हमारा घर हमारा विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा इस कोरोना के कारण शिक्षा केंद्र की है झांकी। गांव में भी अब नहीं रोकेगी पढ़ाई, मेरी गतिविधियां मोहल्ला क्लास हमारा घर कल्याण विभाग द्वारा संचालित मध्य प्रदेश अस्पष्टता निवारण अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना को प्रदर्शित करती है तीसरी झांकी आदि आत्मनिर्भर भारत अभियान एवं आधुनिक मंडी की नई अवधारणा पर कृषि ऑनलाइन व्यापार त्वरित ऑनलाइन भुगतान ये सभी सुविधाएं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सभी किसानों को मिल रही है। ज्योति झांकी कृषि उपज मंडी की अतिथियों के समक्ष गुजरती हुई और अगली झांकी आओ एक आंगनबाड़ी गोद लें। ये शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है आओ एक आंगनबाड़ी गोद लें। बच्चे हमारे मन आंगन में खेलने वाले आशाओं के सुंदर पुष्प हैं। वे हमारी मूल्य धरोहर व हमारे देश के भविष्य तथा राष्ट्र के जीवन संवारने विशाल बनाने और स्वर्णिम बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का योजना पूरक पोषण आहार अनौपचारिक शिक्षा घरेलू हिंसा की रोकथाम स्वास्थ्य सेवाएं उदिता योजना लालिमा योजना बाल आरोग्य समर्पण कार्यक्रम बच्चों का स्वास्थ्य पर्याप्त पोषण शिक्षा समान अवसर खेलकूद के अवसर की जिम्मेदारी हम सबकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों पर प्रदेश से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के जिले में सर्वप्रथम आंगनबाड़ी गोद ली है और उसके पश्चात ही सभी को प्रोत्साहित किया है कि आओ हम सब एक एक आंगनबाड़ी गोद लें और शासन की के मार्गदर्शन में इसका संचालन करें। अगली झांकी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड पशु चिकित्सा सेवाएं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आत्मनिर्भर भारत एवं जा रहा है और अगली झांकी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रदेश के विकास में हमेशा सहभागी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जिले में घरेलू व्यवसाय के औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट खपत पर 100 रुपए बिजली बिल एवं 150 यूनिट का खपत पर सब्सिडी के साथ बिजली बिल जारी किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 20 की स्थिति में घरेलू बकाया राशि पर समाधान योजना के तहत सरचार्ज की राशि माफ करते हुए एक मुश्त भुगतान पर मूल बकाया राशि पर 40% की छूट तथा 6 समान किस्तों में भुगतान करने पर मूल बकाया राशि पर 25% की छूट दी जा रही है। इस योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। तो प्रस्तुत है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण विकास जिला बुरहानपुर प्राकृतिक खेती एवं प्राकृतिक प्रसंस्करण अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता किसान जीवामृत वर्मी कंपोस्ट मृदा स्वास्थ्य मिट्टी परीक्षण के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर भूमि में संतुलित पोषक तत्वों को प्राकृतिक
प्राकृतिक खेती एवं प्राकृतिक प्राथमिक प्रसंस्करण अपना कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता किसान जीवामृत वर्मी कंपोस्ट मक्का खाद का उपयोग कर दर्शाया गया है। कृषि अधोसंरचना निधि योजना अंतर्गत शासन से 3% ब्याज और भंडारण हेतु साइलो भंडारण गृह केला राइटरिंग चेम्बर का निर्माण दूतावास मिट्टी परीक्षण इत्यादि इस थीम के माध्यम से दर्शाया गया है। ये प्लस प्लस है, खुले में शौच मुक्त है। बुरहानपुर शहर गार्बेज फ्री सिटी में 3-स्टार सिटी है और निगम को इंदौर दिल्ली में सम्मानित किया गया है। आप देख रहे हैं झांकी के साथ चलते हुए हमारे ये सफाई कर्मचारी, हमारे ये सफाई दूत जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने शहर को स्वच्छ रखते हैं। बुरहानपुर में 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 4.5 MM से दूषित जल को पुनः चक्रित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण एवं निर्माण कार्य में हुए जल को उपयोग नगर पालिका निगम बुरहानपुर 5-स्टार की ओर है। सेप्टिक टैंक और सीवर को असुरक्षित सफाई की जानकारी तुरंत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1442 पर दे सकते हैं। इसके बाद RRR हमारा जो है रिड्यूस रियूज रिसाइकल और रिफ्यूज, यानी कचरा कम करना, पुनर्उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना और कम उपयोग करना। बहुत ही सुंदर झांकी है नगर पालिका निगम बुरहानपुर की। और 10वीं झांकी है जल संसाधन तहसील बुरहानपुर के ग्राम नई चोटी बलग्राम के पास अमरावती नदी पर निर्माणाधीन है। योजना से लगभग 163 लाख लीटर पानी का संग्रहण किया जा सकेगा। इस योजना को दर्शाते हैं योजना के निर्माण से जल स्तर में वृद्धि, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि, मत्स्य पालन तथा पेयजल एवं स्थान की उपलब्धता होगी, जिससे व्यवसाय में वृद्धि एवं भविष्य सुधारा प्रतीत होगा। बहुत ही सुंदर झांकी जल संसाधन विभाग के द्वारा। एकमात्र उपाय टीकाकरण है जो हमें सुरक्षित करता है। झांकी के माध्यम से दिखाया गया है कि यदि रावण रूपी कोरोना वायरस का इस धरती से अंत करना है तो हमें शासन द्वारा बताए गए टीके समय अंतराल पर लगाना है। आइए हम सब मिलकर हमारे स्वयं के लिए प्रदर्शित इस झांकी में बढ़ चढ़ कर सहभागिता करें और स्वयं को स्वस्थ रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, मास्क अवश्य लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कल जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 101,905 परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। आज के समय सबसे बड़ा अगर कोई हमारा कंसर्न है तो वो है रोजगार, और लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। इसीलिए 12 जनवरी को भी हमने रोजगार स्वरोजगार दिवस मनाया, जहां नव युवाओं को अपने रोजगार स्थापित करने एवं रोजगार पाने में शासन ने महती भूमिका निभाई है। जिला रोजगार जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बुरहानपुर की यह झांकी। अगली झांकी जिला पंचायत बुरहानपुर की यह प्रस्तुति। जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में वर्षा के जल को अधिक से अधिक भूमि पर संग्रहित करना है। जिले के 167 ग्राम पंचायतों में संरचनाओं का चयन किया गया है। अभियान अंतर्गत तालाब, गेबियन, चेक डैम, कंटूर ट्रेंच, फार्म पॉन्ड, मेड़ बंधान। माननीय कलेक्टर सर, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना पधारने कष्ट करें। छब्बीस जनवरी 2022 73वें गणतंत्र दिवस के गरिमा में